Good morning. Good morning, all of you. Good morning, sir. प्यारे बच्चों, good morning. क्या आवाज नहीं आ रही मेरी? Am I audible or not? अरे yes or no? Yes, sir. कोई बोलता ही नहीं है. Okay, so we were doing dimensions of these quantities. We'll proceed further. देखो मैंने क्या किया था, पोटेंशियल अपॉन डिस्टेंस किया था, ये वाला हुआ था नंबर टू की नंबर टू बाकी था. कैन यू टेल मी नंबर टू हुआ था या बाकी था? So, हो गया था. हो गया. ओके, लेट अस डू गो टू नंबर थ्री. नंबर थ्री वाज मैग्नेटिक इंडक्शन. देखो मैग्नेटिक इंडक्शन इज अ क्वांटिटी व्हिच इज डिनोटेड बाय बी. ऑलराइट, तो एफ इक्वल टू बी क्यू वी. प्लीज नोट, बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन, क्यू इज चार्ज एंड वी इज वेलोसिटी. व्हाट इज वी? वेलोसिटी. अच्छा, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? एनीबडी कैन टेल मी, मुझे बी का डायमेंशन चाहिए. व्हाट शुड आई डू? क्या लिखो? एम इंटू ए. एम इंटू ए और क्यूवी के बदले वन अपॉन क्यूवी मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सो दैट देर इज नो गड़बड़. क्यू के बदले मैं आई टी भी लिख सकता हूँ. क्यू के बदले क्या, यही पे कर देते हैं. क्यू के बदले आई टी. और वी के बदले क्या लिखो? यार ये मेरे को याद नहीं रहा. वी के बदले वेलोसिटी के बदले सर एल अपॉन टी. एल अपॉन टी. अगर दिस टी टी गेट्स कैंसिल, इसके बाद एम इंटू ए के बदले क्या लिखो? ए के बदले L upon T square. L upon T square into 1 upon I into L. This L, L also gets cancelled. So what will be the dimensions? L 0, M 1, T minus 2, A minus 1. These are the dimensions of magnetic induction. You know, सिर्फ ये फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला टू लर्न बाय हार्ट. फॉर्मूला जिसको नहीं आएगा उसको कभी नहीं आएगा जीवन में. ये ध्यान रखना, डायमेंशन निकलना, सारे फॉर्मूले दे रहा हूं उनको लर्न बाय हार्ट कर लो विदाउट एनी आर्ग्यूमेंट. प्रिशा शेट्टी इज नॉट कम. ऑलराइट, और कौन नहीं आया? कैन यू एनीबडी आइडेंटिफाई हु हैज नॉट कम? प्रिशा शेट्टी. हुसैन दागिना वाला आया कि नहीं? यस सर. ओके, देखो इधर देखो, एफ इक्वल टू बी क्यू बी, बी इक्वल टू एफ अपॉन क्यू बी, एफ के बदले मा, क्यू के बदले आई टी, और साइड में लिखा मैंने, और बी के बदले एल बाई टी, और यहाँ पे और स्पेसिफाई कर रहा है तो दैट इज इक्वल टू एफ इंटू 1 upon qv, so that you know, you don't get confused कि सर ने क्या किया. F के बदले मा, Q के बदले IT, V के बदले L by T, TT gets cancel, A के बदले L upon T square, LL gets cancel, और फिर ये रहा आपके सामने dimensions. I think ये भी नहीं आई है. What is her name? Konan Qureshi. और साथ में I think that girl called Roshni. Three are disappeared. Okay, is this clear? Clear, beta? Yes, sir. Okay, third ke baad fourth. Acha, aapko yaad hai frequency? What was frequency? Sir, 1 upon t. 1 upon t, 1 upon time. To frequency ko kabhi kabhi isse denote karte hai. Is symbol ko bolte hai nu. इसको बोलते हैं न्यू, एन यू.
लेकिन फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी इज 1 अपॉन टी. अब मुझे प्लैंक्स कांस्टेंट एच का डायमेंशन निकालना है. पी इक्वल टू एच इंटू न्यू. सबसे पहला स्टेप क्या करूं भाई, सबसे पहला स्टेप क्या किया जाए? एच इक्वल्स टू ई अपॉन न्यू. देयरफॉर एच इक्वल टू ई अपॉन न्यू. दैट इज ई इंटू 1 अपॉन न्यू. E is P is not E is यहाँ पे लिख दो एनर्जी. E is एनर्जी. What is the energy? एनर्जी का डायमेंशन हमने निकाला ही नहीं. एनर्जी का कैसे निकालने का डायमेंशन? Anyone in here in the group? एनर्जी का डायमेंशन कैसे निकालूं? Is it the same as the work? That is right. एनर्जी, वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, यू नो स्प्रिंग एनर्जी, कोई भी टाइप की एनर्जी, विंड एनर्जी, दीज आर ऑल नथिंग बट वर्क. ये बताया था मैंने. ओनली विधि इज आंसरिंग, ओनली विधि. सो दैट इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क. और व्हाट अबाउट न्यू? अभी हमने बताया न्यू इज नथिंग बट 1 अपॉन टी. सो दिस टी विल कम इन द न्यूमरेटर. W के बदले क्या लिखो? अरे रोशनी, वर्क का फॉर्मूला क्या है? रोशनी, वर्क का फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस. और ये समय आ जाएगा ऊपर T. फोर्स के बदले क्या लिखो? फोर्स के बदले सर M into A. डिस्टेंस के बदले L. समय के बदले T. A के बदले L upon T square into L into T. So this will become M into L square upon T. So these are the dimensions. ये रहे आपके सामने L to M 1 T minus 1. ये रहे dimension आपके सामने. Dimension of Planck's constant. No need to learn by heart. You have to understand, you have to learn by heart the formula. Energy equal to Planck's constant into frequency. E equal to H into nu. Formula mein puchte rehne wala hun. Trisha Shetty has come, Roshni has come. But still, we have sent Conan Qureshi. Okay. So, देर यू आर. मैं फॉर्मूला पूछता रहूंगा. मैं जो भी फॉर्मूला दिए ना उसके फॉर्मूला पूछूंगा मैं. योर चार्ज का फॉर्मूला बोल भार्गेश. चार्ज क्यू इक्वल टू भार्गेश. ओ भार्गेश. यस सर. चार्ज इज इक्वल टू क्यू. सर क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी. दैट इज राइट. लवली. ओके देन मुझे इंटेंसिटी का फॉर्मूला बताएगा हुसैन दागीना वाला. इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैपिटल ई. व्हाट अपॉन व्हाट? ओम मिस्त्री. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओम मिस्त्री ओ मिस्त्री. ये तो अपने हिसाब से. माज माज ओ माज. इंटेंसिटी सर एफ इज इक्वल टू ई इनटू क्यू. हां एंड देयरफॉर ई इक्वल टू ई इज एफ अपॉन क्यू. दैट इज राइट. वेरी गुड. आई विल कीप ऑन आंसरिंग दिस क्वेश्चंस. ओके ये हो गया एक सेट. अभी अगले सेट की ओर जाते हैं हम लोग. फॉर्मूले सारे आने चाहिए. एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इफ आई आस्क यू फॉर्मूला यू विल हैव टू आंसर. ओके इसके बाद प्लीज राइट डाउन फ्लक्स. बी इनटू ए. बी इज मैग्नेटिक इंडक्शन. ई एरिया. फ्लक्स इज फाई. और फ्लक्स क्या होता है वो सब चिंता मत करो. पोल स्ट्रेंथ.
What is B? B is magnetic induction. Bhulna nahi. याद रखना मैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमने मैं ये निकाला था उसका मेन फॉर्मूला क्या था आफिफ बी का मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन निकालने के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था सर सर बी इज इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू वी सपोज वो याद नहीं रख रहे तो एटलीस्ट ये याद रखो एफ इक्वल टू बी क्यू वी So that you know B will be F upon Q V. ऐसे याद रखो B कहीं पे भी आएगा No need to learn by heart the dimension of B. You should know the formula. ये ध्यान में रखना जैसे F कभी भी आता है तो उसके बदले क्या लिखते हैं मा F के बदले क्या लिखते हैं मा तो सबसे पहले फ्लक्स फ्लक्स का हमको डायमेंशन निकालना है फ्लक्स जिस सिंबल को देखा है पहली बार की देखा है पहले Do you know this symbol is called what? Anyone knows? नल नो नल नहीं इसको है ना ऐसे करके और ऐसे बनाते हैं ना तो इसको पढ़ते हैं फाई पी एच वाई सर शायद तक सब मैक्स में पढ़ा था वो टाइम पे सर कुछ नल या जीरो कुछ ऐसा तो हाँ वो नल मैट्रिक्स में ये करते हैं मुझे पता है सेट्स के सेट्स रिलेशन फंक्शन में बट इसके सिंबल को पढ़ देगा देखे फाई इसको क्या बोलते हैं फाई पी एच वाई तो फाई इक्वल टू बी इंटू ए बी के बदले क्या लिखूं भाई एफ इक्वल टू बी क्यू बी बी के बदले क्या लिखूं बोलो बोलो एफ अपॉन क्यू बी एफ अपॉन क्यू बी और ए के बदले क्या लिखूं एल बाय टी स्क्वायर इजंट इट ए के बदले क्या लिखूं सर एल अपॉन टी स्क्वायर वेरी बैड आंसर वेरी नो सर इट्स एम्पियर स्क्वायर सो वन ओ इट्स एम्पियर Remember, flux equal to B into A. What is this capital A? Anyone can tell me? Sir, ampere. Sir, ampere. वहाँ पे लिखी जा रही है चलो formula में B into A where A stands for area, B stands for magnetic induction. हाँ अभी क्या लिखूँ A के बदले? Yeah, right. L upon T square. L square. The ampere. क्या लिखूं बच्चे लोग बोलो ना एक के बदले क्या लिखूं L square. L square. That's the best answer. Force के बदले मा one upon QV L square. मा एक के बदले क्या एक के बदले L by T square. Q के बदले क्या IT. V के बदले क्या V के बदले L by T. This is L square. Now TT gets cancelled. LL gets cancelled. बचता है क्या L बचता है 2. L बचता है 2. M बचता है 1. I बचता है minus 4. आई कितना लिखूं सो माइनस वन माइनस वन एंड टी के ऊपर क्या लिखूं माइनस टू ये फॉर्मूला हमेशा आना चाहिए देखो एक बार फिर से आपके सामने बताऊं एक बार फिर से रूलर मार के देखो हमें फ्लक्स का फॉर्मूला पूछा था फ्लक्स इज नथिंग बट मैग्नेटिक इंडक्शन इनटू एरिया बी का फॉर्मूला इज एफ बाय क्यू ये फॉर्मूला सभी को आना चाहिए
A stands for area, therefore we'll write L square. Force के बदले मा, QV को मैंने side में ले गया, into L square. L, A के बदले L upon T square, Q के बदले IT, V के बदले L by T, और ये L square. T, T gets cancelled, L, L gets cancelled, और ये रहा आपके सामने answer. बात समझ में आली? Okay ना? In magnetism, there is a quantity called pole strength. इसको कभी-कभी छोटे m से भी denote करते हैं. You know, south pole, north pole, ये south pole है, ये north pole है. Distance between the two poles is called magnetic length. चालू हुआ कि नहीं अभी तक ये? इसकी pole strength minus m, इसकी pole strength plus m. Pole strength minus m plus m के बदले इसको qm बोल दिया. Minus qm और plus qm. जैसे electric charge होता है q, magnetic charge क्यों qm बोला? ये आपको पढ़ाएंगे जब मैग्नेटिज्म चैप्टर डील किया जाएगा तो ऑलराइट. अब हमको क्यूएम यानी कि पोल स्ट्रेंथ का क्या करूं, फर्स्ट स्टेप क्या करूं. पहला स्टेप अब विधि नहीं बोलेगी, बाकी लोग बोलेंगे मुझे क्यूएम का डायमेंशन निकालना है. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आई मस्ट डू? सो क्यूएम इक्वल टू एफ अपॉन बी. दैट्स लवली आंसर बाय none other than G2. Force के बदले मा, और पहले लिखेंगे F into 1 upon B. Force के बदले मा, B के बदले क्या लिखूं? B के बदले क्या लिखूं? F upon Q. F upon A के बदले क्या लिखूं? L upon T square. ये QV क्या होगा? Anyone knows mathematics? QV क्या करेगा? QV? Mathematics के हिसाब से QV किधर चला जाएगा? Sir, I हो जाएगा ना sir. The numerator. Numerator. That is equal to M into L upon T square. Q के बदले क्या लिखूं? IT. V के बदले क्या लिखूं? L by T. Force के बदले क्या लिखूं? मा. आराम से समझ समझ के लिखो. इसको और भी बढ़िया कर रहे हैं तो M into L upon T square QV into 1 upon F. So that you know there is no गड़बड़ at all. नहीं समझ में आया तो मेरे को नाम बोलोगे सर क्या कर रहे हो आप? सर कुछ समझ नहीं आ रहा है. देखो टी टी गया काम से, एम एम गया काम से. दिस एल इन दिस एल विल बिकम एल स्क्वायर. आई इज आई अपॉन टी स्क्वायर. आई L square, T square, और इधर A के बदले क्या लिखूं? L upon T square. T square कहाँ जाएगा बच्चे लोग? चलो यही लिख देता हूँ तो फिलहाल, क्योंकि T square ये भी cancel. That is T square gets cancel. That will become I into L. So what is the dimension? L 1, M 0, T 0, A 1. देखो जो भी लिख के प्रैक्टिस करेगा ना उसका कभी भी मिस नहीं होएगा. मेरा ये बंद होने के बाद घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो कि मैं डायमेंशन ऑफ पोल स्ट्रेंथ निकालता हूँ, अभी डायमेंशन ऑफ ये निकालता हूँ, अभी डायमेंशन ऑफ वो निकालता हूँ, देन इट विल बिकम क्लियर. पेन प्रैक्टिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड. फंस गए तो ये देखो, इधर से भी याद नहीं आ रहा है, सर ने क्या बताया, मेरे को मैसेज करो, फोन करो. लेकिन आप में लगन होनी चाहिए कि मुझे करना है, बस मेहनत करनी है. आई वॉन्ट टू बिकम समथिंग. Nothing comes without hard work. पहले एक बार कॉपी कर लो, मैं एक बार फिर से एक एक स्टेप रिपीट करता हूँ. कोई डाउट है मुझे पूछते जाओ कि सर ये क्या किया, सर वो क्या किया, सर ये कैसन वो कैसन. कॉपी मार लिया है सभी ने कि मार रहे हो अभी भी? कोनन कुरेशी हैज नॉट कम. अंजू कोनन को फोन लगाओ ना.
कुछ डाउट है मेरे को पूछो. कॉपी कर लिया है? यस नो? माज कॉपी किया? माज ओ माज विधि कॉपी किया? यस रोशनी. ओके एक बार देखो फिर मैं रिपीट कर देता हूँ. यहां से देखो ध्यान से ये फॉर्मूला आपको अगर मैं पूछूंगा ना पोल स्ट्रेंथ का फॉर्मूला बता तो आपको F equal to QM into B बोलना है और उसमें बोलना है QM is pole strength. तो QM will be F by B. F is F. B is 1 upon B. मैंने साइड में लिखा so that there is no गड़बड़. Force के बदले मा. B के बदले F upon QB. All right. तो MM. A के बदले L upon B square. ये QB जाएगा ऊपर numerator में upon F. That is equal to M into L upon T square. Q. QV into 1 upon F. वापस साइड पे लिख दिया. एक्चुअली यहाँ पे कर सकते थे IT और उस सब लेकिन QV into 1 upon F. M into L upon T square. Q के बदले IT. V के बदले L by T. F के बदले MA. तो यहाँ पे मैं देखता हूँ ये M और ये M can be cancelled. ये T और ये T can be cancelled. Alright. ये L into L will become L square. I as it is. ये T square. और ये बचा था A. A के बदले लिखा L upon T square. तो पता चलता है दिस T square can be cancelled. L square upon L will be L. So this is I into L. L1. इसलिए इसका unit क्या मालूम है pole strength का? Anybody can tell me unit? Who can tell me unit of pole strength by seeing this? What must be unit of this by seeing this? Sir, is it ampere meter? That's right answer. This is meter is to one. And this is ampere raised to 1. So that is equal to ampere meter. Name of the scientist has to be written full. Ampere meter. Sir, how did the QV go to the numerator? Oh, that you don't know. I'll explain. Don't worry. That Vidhi said ki numerator mein bhej do. So maine laga sabko malum hai. मुझे बताना पड़ेगा एक बार. पहले कॉपी कर दिया सभी ने बेटा. ये भी लिख डालो यूनिट. आई एम गोइंग टू टीच यू मैथमेटिक्स नाउ. मिटा दो इसको. इसको मिटा दो. हाँ सर मिटा दो. कितने लोग को मालूम है ऑनेस्टली बोलो ये क्यूवी ऊपर गया कैसे आता है? किसी को समझ में आया कि नहीं? हु नो हु नो दी के अलावा? यस सर आई नो सर. आई नो. और कौन? आई आल्सो नो सर. आई आल्सो नो. माज ऑल्सो नो. हुसैन दागिना 100 आउट ऑफ 100 मालूम पड़ा कि नहीं? यस सर. यस सर. ओके अब मैं बताता हूँ कि कैसे. अब मैं एक जनरल मैथ की बात बताता हूँ सो दैट दिस विल बिकम क्लियर टू यू. और ऐसे क्वेश्चन पूछो बिंदास पूछो. इंसल्ट ऑफ यू फीलिंग दैट मेरा इंसल्ट हो गया. अफीफ का कुछ इंसल्ट नहीं हुआ. ओके ही डजंट नो. ही इज आस्किंग. इट्स ओके. देखो पहले तो 1/1 A upon B. चलो ब्लैक पेन से लिखता हूँ. 1/A upon B को बोले कि बताओ कैसे करना है. तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू गिव मी वन थिंग अफीफ क्या राइट. दिस इज 1 डिवाइडेड बाय A upon B. यस इज इट राइट और रॉन्ग? सर राइट. अफीफ ओके. इफ आई मल्टीप्लाई इसको मैं मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करूं तो क्या होता है? यू नो दिस डिवीजन के बदले मल्टीप्लिकेशन. तो ये उल्टा हो जाता है. दिस बिकम्स उल्टा पुल्टा b upon a. एंड देन टेल मी व्हाट इज 1 into b. b एंड दिस इज a. तो एक्चुअली 1 upon a upon b में b ऊपर चला जाता है. कैन यू सी? यस सर. अब सवाल उठता है सर अगर 1 upon a upon b होता तो क्या करते? अब ये सवाल. तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 1 upon a डिवाइडेड बाय b. इज दिस राइट और रॉन्ग? यस सर राइट. डिवीजन के बदले अगर मैं मल्टीप्लाइंग साइन बनाऊं तो क्या आएगा? 1/b. तो व्हाट विल दिस बिकम? 1/ab. 1/ab. समझ में आई बात? यस सर. अच्छा कभी कभी होता है a अपॉन b डिवाइडेड बाय c अपॉन d. तो a अपॉन b divided by C upon D. That means A upon B multiplied by what? So D upon yes. C. D upon C. So this becomes AD upon BC.
देखो एडी ऊपर चला गया और ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए। कभी भी तकलीफ होना ऐसे कर देने का, डिवाइड और फिर मल्टीप्लाई उल्टा किया तो अपने आप बेस्ट आंसर विल कम विदाउट एनी मिस्टेक्स। कोनिन कुरेशी फाइनली हैज एंटर्ड इनटू आवर क्लासरूम। वेलकम कोनिन कुरेशी। कॉलेज गई थी कोनिन? कॉलेज कॉलेज तो चल रहा था, जाके आई बोले तो हाँ बोले तो कॉलेज के लेक्चर अटेंड कर रही थी। कौन सा लेक्चर चल रहा था? फिजिक्स का। क्या पढ़ा रहे थे? विच चैप्टर? फोर्थ चैप्टर। नाम? लॉज ऑफ मोशन है शायद। चलो ओके ये हो गया। और कुछ पूछना है बेटा आफिफ? नो सर अंडरस्टूड। श्योर ना? यस सर। ओके दिस इज माय मेथड ऑफ डूइंग। पता नहीं मैथ्स वाले कैसे सिखाते हैं, मैं तो ऐसे सिखा देता हूँ। ओके इसके बाद आया क्या? मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैं कभी भी ये फॉर्मूले पूछता रहूंगा, ये ध्यान रखना। क्यूएम इंटू टू एल। कोई मुझे बताएगा? आई एम गोइंग टू आस्क आलोक गुप्ता। क्यूएम हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था क्यूएम का डायमेंशन निकालने के लिए? सर क्यू क्यूएम का सर एफ अपॉन क्यूवी का। एफ क्या? क्यूएम का एफ अपॉन क्यूवी बोले थे ना सर। नो वेरी बैड आंसर। अजीतू क्यूएम का फॉर्मूला क्या है? सर ए और सर एफ इक्वल टू क्यूएम। दैट इज राइट। ये इधर लिखा हुआ है, क्या करते हो यार आलो? क्या लिखा है देखो, एफ इक्वल टू क्यूएम इनटू बी, तो क्यूएम विल बी एफ अपॉन बी। 12 इसमें 2 को यू कैन भगाओ, एनीबॉडी कैन टेल मी 2 की कोई जरूरत नहीं है। व्हाई? 12 होता है या 5L होता है या 1000L होता या 100000L होता या रूट 12 होता, कुछ भी होता। L 2 लिखूंगा ही नहीं अगले स्टेप पे, यहाँ पे सिर्फ L लिखूंगा। Who can tell me that? अरे 2 is a constant, it does not play any role in dimensions। नहीं समझ में आया? 2 is constant। ओके अब यहाँ पे फटाफट कर लो, F के बदले क्या? F के बदले पहले F L 1 upon B। F के बदले क्या? मा L F B। B के फॉर्मूले के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? Who will tell me? फॉर्मूले याद होने चाहिए, ध्यान रखना। हुसैन F B के लिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज किया था? F upon QV। That is right। F was B Q V, ये याद रखो तो अपने आप B का फॉर्मूला आ जाएगा। F upon Q V। अच्छा अब मुझे सिर्फ A के बदले क्या लिखूं? L upon T square L। यहाँ पे सिर्फ अफीफ बताएगा। अफीफ yes sir। ये क्या करूं अगला स्टेप? Go to the numerator, QV. That's right. ML square upon T square. Q के बदले QV into 1 upon F. थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ता है लेकिन इसमें मिस्टेक नहीं होगी। Q के बदले IT, V के बदले L by T, F के बदले L upon T square, T square या तो यही लिखते हम लोग। So that you know there is one T square get cancelled, otherwise T square will come in the numerator. All right, अब सब सब खत्म हो गया, अब cancel करते जाना है बस। ये T square गया काम से, ये L और L गया काम से, ये T और T गया काम से। All right, M भी जाना चाहिए। M क्यों अटका हुआ है? हाँ F के बदले M है ना, तो दिस एम एंड एम भी गया काम से। क्या बचा?
I L square. So what is the dimension? L2 M0 T0 A1. इसका यूनिट क्या होगा? एनीबडी कैन टेल मी यूनिट ऑफ दिस? यूनिट क्या होगा सर? एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर मीटर स्क्वायर. एम्पियर इनटू मीटर स्क्वायर. खलास. तो सारे फॉर्मूले मेरे को चाहिए. डोंट टेल मी. रोशनी, 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 प्रेशर का फॉर्मूला बोल. व्हाट व्हाट इज प्रेशर एंड पावर? पावर अपॉन टाइम. हाँ, पावर पूरा आंसर बोल. दैट्स राइट, वर्क अपॉन टाइम. एक बार रूलर मार दो. देखो क्यूएम इंटू टू एल. क्यू इज नथिंग बट एफ बाई बी. क्यू हटा दिया हमने बिकॉज टू इज कॉन्सेंट एल. It is F into L into 1 upon B. F ke badle maan, L ke badle L. F is BQB, to B will be F upon QB. So, MM. A ke badle L upon T square. L. QB gaya upar. QB upon F. ML square upon T square. QB into 1 upon F. ML square upon T square. Q ke badle IT. V ke badle L by T. Force ke badle M into A. A ke badle L upon T square. This T square, ये T square और ये T square गया, ये T और ये T गया, फिर क्या बचा? इधर बचा L square और इधर बचा I, तो I into L square, तो L into M, 0 T, 0 A1, that's the answer. Unit will be ampere into meter square, ampere into meter square. अगला सेट लेंगे हम लोग. एक्चुअली तो अनएंडिंग है लेकिन बस इतना करते हैं और अब नया टाइप का प्रॉब्लम लेते हैं. ऐसा लिखिए, ऐसा लिखिए. नहीं पहले एक दो और ये लेते हैं. ओके, फोर्स ऐसा लिखो. फोर्स बिटवीन टू मासेस. Force between two masses is given by F equal to G M1 M2 upon. Anybody knows the answer? ये फॉर्मूला आपने सुना हुआ है, देखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में और 11th में भी शायद मैंने किया है. F equal to G M1 M2 upon sir R square. That's right. क्या बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा. Where G equal to universal gravitational constant. Find ये generally college exam में आता है, बहुत बार आता है. Find dimension of बड़ो G. Find dimension of बड़ो G. Yes, who can tell, who can do on own? Chalo, ye mere ko kaun batayega? Kaun batayega? Ye aane wala exam mein, tumhare college exam mein pakka aayega, agar ye chapter hai to. So, sorry to disturb you, but sir, wahan pe kya likha hua? Force between two? Two masses is given by. और सॉरी वरी मत बोलो, डिस्टर्ब यू. डायरेक्टली पूछो कि सर वो क्या लिख रहा है, दिख नहीं रहा है. सॉरी वरी कुछ नहीं बेटा. ओके सर, फोर्स बिटवीन टू मासेस इज गिवन बाय एफ इक्वल जी एम1 एम2 अपॉन आर स्क्वायर, वेयर जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. फाइन, इधर एफ इज फोर्स, एम1 एम2 आर मासेस, आर इज डिस्टेंस. आर इज नथिंग बट डिस्टेंस.
चलो हु कैन टेल मी, मैं चलो करता हूं. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, विधि नहीं बोलेगी और जीतू नहीं बोलेगा. व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप आफ्टर राइटिंग द ब्रेन फॉर्मूला? Sir, G is equals to FR square upon M1, M2. That's lovely answer. F ke badle kya likha jaye? Pehle F R square 1 upon M1, M2. F ke badle kya likha jaye? Sir, MA. MA. R square ke badle? Head L by D ka square. या v स्क्वायर या a स्क्वायर क्या लिखूं r स्क्वायर के बदले? सर l स्क्वायर. सर l स्क्वायर. m1 इज मास, m2 इज आल्सो मास, सो इट इज मास इनटू मास. व्हाट इज a के बदले? l अपॉन t स्क्वायर. L cube upon m t square. So this thing is nothing but L 3 m minus 22. Kitna easy hai ye? Kitna easy hai? No need to learn by heart anything. Okay, except the formula. और फॉर्मूले आगे काम में आएंगे आपको जब हम चैप्टर पढ़ा रहे होंगे. मैग्नेटिज्म तो आपने बोले अरे F equal to QM into 2L सुना है, M equal to QM ये सुना हुआ है और ये भी फॉर्मूले सुना हुआ है बिकॉज ऑफ डायमेंशंस. आपको बहुत इजी पड़ेगा बाद में. अब बिल्कुल इसमें वो मत करना. अरे मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डायमेंशन कैसे निकला था? हुसैन दागिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W बाय. वाओ वाओ वाओ, आई लाइक इट. I like it, Hussain. That's the way to answer. इसके बाद अगला प्रॉब्लम लिखा जाए. हमने कूलम्स लॉ किया था, याद है किसी को? किसी को याद है कूलम्स लॉ हमने किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में? सिर्फ हमने कूलम्स लॉ ही किया है. As per कूलम्स लॉ. Anybody knows ये क्या था? क्लास में है कोई माई का लाल? ये मैंने पढ़ाया है. Sir, epsilon naught. That's lovely, beautiful answer. Permittivity of free space. Find dimension of epsilon naught. बहुत अच्छा विधि. विधि मैंने किया है नहीं चाहिए कूलम्स लॉ क्लास में? Yes sir. हाँ, that's why you could answer. I remember, but बाकी लोग क्यों आंसर नहीं देते पता नहीं चलता मुझे तो. और मैंने शायद इसका टेस्ट भी लिया है कूलम्स लॉ के ऊपर. टेस्ट लिया था क्या विधि? ओ विधि, सर आई डोंट रिमेम्बर. अभी मेरा जो टेस्ट होगा ना उसमें कूलम्स लॉ आई एम गोइंग टू आस्क. कूलम्स लॉ स्टेट एंड एक्सप्लेन कूलम्स लॉ. एक क्वेश्चन ओपन दे रहा हूं मैं तुमको.